शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा आज इस वार्ता में आपके साथ एक प्रबंधक के रूप में अध्यापक की कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, विद्यालयी परिस्थितियों में क्या भूमिका हो सकती है, इस पर चर्चा और विमर्श करने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह हमें जानने और समझने की ज़रूरत है कि शैक्षिक प्रबंधन है क्या। शैक्षिक प्रबंधन जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए यह जानना दुष्कर होगा कि प्रबंधक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो शैक्षिक प्रबंधन का जब हम विश्लेषण करते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन है क्या, तब हम यह पाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में संगठनात्मक संसाधनों को कुशल एवं प्रभावी ढंग से नियोजित, संगठित, निर्देशित एवं नियंत्रित करना ताकि लक्ष्यों की उचित मात्रा में प्राप्ति संभव हो सके, शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में संगठनात्मक संसाधनों को बिल्कुल ठीक तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से एक्सपर्टाइज के साथ नियोजित करना, संगठित करना, गाइड करना और कंट्रोल करना ताकि जो भी लक्ष्य हैं शिक्षा के, जो भी शैक्षिक प्रबंधन के लक्ष्य हैं उनकी उचित मात्रा में प्राप्ति संभव हो सके, शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। अब इसमें अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अमानव संसाधन, जिसे कि हम भौतिक संसाधन कहते हैं, एवं मानव संसाधन जिसे कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं आंग्ल भाषा में, दोनों ही शैक्षिक प्रबंधन का एक प्रमुख हिस्सा हैं। दोनों को ही शैक्षिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसलिए एक ऐसी योग्यता विकसित करना, एक ऐसा हुनर विकसित करना जिससे कि अध्यापक जो है वह अमानव संसाधन मतलब भौतिक संसाधनों को और मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज को दोनों का ठीक तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके और इन समस्त संसाधनों का जो प्रबंधन कहला करता है वही प्रबंधक कहा जाता है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल रिसोर्सेज है, इन दोनों का जो ठीक तरीके से मैनेजमेंट करता है, जो प्रबंधन करता है, जो बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है, जो इसको नियोजित करता है, संगठित करता है, निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है ताकि एक स्पेसिफिक लक्ष्य को ठीक तरीके से प्राप्त किया जा सके, वही प्रबंधक कहा जाता है। एक उदाहरण यदि हम लेंगे तो बात ज़्यादा ठीक तरीके से स्पष्ट होकर हमारे सामने उभर कर आएगी। वह यह है कि एक घर में, किसी परिवार में माता या पिता उस परिवार के मैनेजमेंट का दायित्व निभाते हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थियों में से ही किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है और वह कक्षा को नियंत्रित करता है, नियोजित करता है, गाइड करता है, संगठित करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि विद्यालयों में भी शिक्षक जो है, प्रधानाध्यापक जो है, प्राचार्य आदि के रूप में विद्यालय में प्रबंधन की भूमिका अदा करता है, जो कि विद्यालय के अन्य शैक्षणिक, अशैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को नियंत्रित करता है, उनको दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो अमानवीय संसाधन हैं, जो अमानव संसाधन हैं जिन्हें हम भौतिक संसाधन कहते हैं, उनको भी बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने की, बेहतर तरीके से उनका उपयोग करने की कोशिश करता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रबंधन के तत्व कौन कौन से हैं और उनकी क्या भूमिकाएं हैं प्रबंधन में। तो जब हम प्रबंधन के तत्व की बात करते हैं तो यह जो ग्राफ आपके सामने आ रहा है, इस ग्राफ को देखने की ज़रूरत है, जिसमें कि प्रबंधन का तत्व जो है वो बिल्कुल बीच में है और ऊपर से मानवीय शक्ति, विधियाँ, धन, सामग्री और यंत्र, जिसे कि हम मैन पावर, मेथड्स, मनी, मटेरियल और मशीन कहते हैं, ये सब जो है प्रबंधन के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। मैन पावर को यदि आप मैनेज नहीं करेंगे, यदि आप ठीक तरीके से विधि नहीं अप्लाई करेंगे, यदि आप मनी का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, यदि आप मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड हैं और मशीन्स जिनकी आवश्यकता है उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे,
तो जाहिर सी बात है आपका विद्यालयी प्रबंधन या विद्यालयी के अलावा और कोई प्रबंधन भी यदि आप करते हैं तो वह ठीक तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। तो इसमें आवश्यकता है कि मानवीय शक्ति, विधियाँ, धन, मटेरियल और यंत्र, इन सब का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए, इन सब का ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब अगला प्रश्न उठता है कि शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, शैक्षिक प्रबंधन क्यों ज़रूरी है। तो एक बेल महोदय हुए हैं, उन्होंने 1980 में कहा और उनका यह मानना है कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता दिए जाने के कारण स्कूल में जंगली और अप्रत्याशित वातावरण उत्पन्न हो जाने के कारण स्कूल को अराजक संगठन कह दिया जाता है। परंतु स्कूल स्वयं कोई अराजक संगठन नहीं है, जैसा कि इसका नाम हो सकता है, व्यक्तियों का एक निराकार या अनपेक्षित संग्रह है। बेल महोदय का यह मानना है कि कई बार अधिक फ्रीडम आवश्यकता से ज़्यादा देने पर विद्यालय अराजक हो जाते हैं, वहाँ अनुशासन की कमी हो जाती है, इसीलिए एक बेहतर शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता जो है वो ज़रूरी हो जाती है। बेल महोदय आगे यह बात कहते हैं कि यह एक ऐसी संस्था है स्कूल, जो अपने स्वयं की संरचना के साथ साथ आंशिक रूप से बाहरी दबावों से और आंशिक रूप से संगठन की प्रकृति के उत्पाद के रूप में निर्धारित होती है। कहने का मतलब यह है कि इसकी स्वयं की जो संरचना है उससे तो वह प्रभावित होती ही होती है, साथ में चूँकि विद्यालय जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा होता है, वह समाज का हिस्सा होता है, इसलिए कई बार एक्सटर्नल प्रेशर भी थोड़ा ना थोड़ा संगठन की प्रकृति के उत्पाद के रूप में उसको प्रभावित करता है या उसको निर्धारित करता है। एक बहुत बड़े फिलासफर हुए हैं जॉन डीवी, और जॉन डीवी ने भी ये कहा है कि स्कूल जो है वह समाज का लघु रूप है, अतः स्कूल का प्रबंधन एक तरह से समाज का ही प्रबंधन है, और जब तक समाज का प्रबंधन होता है, जब तक समाज का प्रबंधन जिस तरीके से आवश्यक है उसी तरीके से विद्यालय का भी प्रबंधन किया जाना चाहिए, स्कूलों का भी प्रबंधन किया जाना चाहिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम यह पाते हैं कि स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुभाषाएँ, बहु संस्कृतियाँ, बहु व्यक्तित्व एवं विविध विचारधाराएँ एक साथ मिलती है, अतः वैविध्यपूर्ण वातावरण में निश्चित ही बिना प्रबंधन के अराजकता फैलने का भय बना रहता है, अतः स्कूल में प्रबंधन का कार्य महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है 2005 में अस्तित्व में आया, जिसे कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं प्रोफेसर यशपाल, जिनका अभी हालिया निधन हुआ है, उनके अध्यक्षता में यह दस्तावेज प्रकाश में आया। यह दस्तावेज भी इस बात पर बल देता है कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम सेटिंग्स हों, बहुसांस्कृतिक क्लासरूम सेटिंग्स हों, स्कूल हों और उसमें मल्टी लैंग्वेजेस को, भिन्न भिन्न तरह की भाषाओं को, भिन्न भिन्न तरह की संस्कृतियों को सम्मान का स्थान दिया जाए। और ऐसी स्थिति में यदि भिन्न भिन्न भाषाएं एक क्लासरूम सेटिंग में हैं, यदि भिन्न भिन्न संस्कृतियां एक क्लासरूम सेटिंग में हैं, यदि भिन्न भिन्न तरीके के व्यक्तित्व एक क्लासरूम सेटिंग में हैं, तो इन परिस्थितियों में कुल मिला जुला कर इस तरह से काम किया जाना चाहिए जिससे कि स्कूल जो है वह ठीक तरीके से चल सके। स्कूल का मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाना चाहिए कि स्कूल जो है प्रगति कर सके। आगे जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि प्रबंधक के रूप में शिक्षक के लिए क्या क्या उपयोगी सिद्धांत हो सकते हैं। तो एक एक करके इन सिद्धांतों की हम बात करेंगे तो हम यह पाएंगे कि प्रबंधक के रूप में शिक्षक के लिए जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं वह हैं, पहली आवश्यकता जो है वह है शक्ति या सत्ता का समय, स्थान एवं परिस्थिति के अनुरूप उपयोग। जो भी शक्ति या सत्ता अध्यापक के हाथ में है, शिक्षक के हाथ में है, शिक्षिकाओं के या अध्यापिकाओं के हाथ में है, उसका ठीक तरीके से उपयोग किया जाए। जो आपके गोल जो हैं वो डाइवर्सिव गोल होते हैं, उनका भी ठीक तरीके से ध्यान दिया जाए।
और वैचारिक जो मतभेद हैं, वैचारिक जो विवाद हैं, उनके समाधान के लिए बहुत एडमेंट, बहुत सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे के विचारों को सुनने और एक दूसरे के विचारों को पर्याप्त सम्मान दिए जाने की आवश्यकता है, जिसे आजकल हम लोग रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कहते हैं, सम्मानपूर्वक असहमति रखते हैं। तो उसकी बात जो है विद्यालयी प्रबंधन में इस चीज़ को समझना अध्यापक के लिए अब बहुत आवश्यक है। अगली जो बात है वह है किसी भी तरीके के द्वंद्व से निपटने की क्षमता एवं धैर्य। अध्यापक के अंदर वह धैर्य होना चाहिए कि किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति के अंदर भी वह उससे निपट सके। रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए, राजनीतिक कर्मठता भी होनी चाहिए और नियंत्रण भी होना चाहिए खुद की भावनाओं पर और खुद के निर्णयों पर। अब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि शिक्षक की प्रबंधकीय शैली कैसी होनी चाहिए, मैनेजेरियल स्टाइल कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट का स्टाइल क्या होना चाहिए एक बढ़िया शिक्षक की, और उसकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो एक शिक्षक अपने प्रबंधन की प्रक्रिया में जो प्रबंधकीय शैलियों का प्रयोग करता है वह कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। पहला हो सकता है पारस्परिक, जिसे इंटरपर्सनल कहते हैं। दूसरा हो सकता है पेशेवर प्रबंधकीय, जिसे आंग्ल भाषा में प्रोफेशनल मैनेजेरियल कहते हैं। उसका अगला हो सकता है विरोधात्मक, जिसे हम एडवर्सैरियल कहते हैं, और अगला है सत्तावादी, जिसे हम अथॉरिटेरियन कहते हैं। सबसे आखिरी जो स्टाइल हो सकता है, सबसे आखिरी जो शैली हो सकती है वह हो सकती है अंतःवैयक्तिक शैली या इंट्रापर्सनल शैली, जिसमें कि हम स्वयं का प्रबंधन करते हैं, स्वयं का मैनेजमेंट करते हैं, स्वयं के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब एक एक करके हर एक स्टाइल के बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इंटरपर्सनल स्टाइल, क्या है प्रोफेशनल स्टाइल, और आप बाकी अन्य स्टाइल्स को भी ठीक तरीके से एक एक करके उनका विश्लेषण करेंगे, जिससे कि जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं हमें समझ में आए। दोस्तों, सबसे पहला पारस्परिक इंटरपर्सनल स्टाइल है, उसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत संबंधों और उनकी भूमिका को पूरा करने के लिए आमने सामने संपर्क पर भरोसा करना है। इसमें यह बात होती है कि एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से या एक अध्यापक अपने विद्यार्थी से फेस टू फेस तरीके से बातचीत करता है और एक दूसरे पे किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए भरोसा जताता है। यह एक बेहतर मैनेजमेंट स्टाइल माना जा सकता है। दूसरा जो है वह है पेशेवर प्रबंधकीय स्टाइल, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल मैनेजरियल स्टाइल। विभिन्न विद्यालयी समितियों, ज्ञापन और औपचारिक प्रक्रियाओं के लिए प्रबंधन करना। एक अध्यापक को अपने विद्यालय के प्रबंधन में एक प्रोफेशनल रवैया भी अपनाना चाहिए, जिसे पेशेवर प्रबंधकीय कहते हैं। एक विद्यालय जो है सामान्यतया समितियों द्वारा संचालित किया जाता है, उन समितियों का मैनेजमेंट किया जाना और एक औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा, जैसे कि वो समिति की मीटिंग मिनट्स हो गए या समिति के अन्य कार्य जो हो गए उनको ठीक तरीके से नोट डाउन करवाना और अपनी देख रेख में चीज़ों को संपादित करना जो है यह पेशेवर प्रबंधकीय शैली के अंतर्गत आता है। अगला जो स्टाइल है वह है विरोधात्मक एडवर्सर स्टाइल, जिसे हम एडवर्सरियल स्टाइल कहते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है वह होती है नियंत्रण बनाए रखने के लिए तर्क के साथ रहना और समस्या का सामना करना। इसमें समस्या से भागने की बात नहीं होती, इसमें एक तार्किक तरीके से, एक बेहतर तरीके से यह समझाने की बात की जाती है कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, और उसके लिए समस्या का समाधान करने की शैली को हम लोग ऑप्ट करते हैं, अध्यापक ऑप्ट करता है, अध्यापक अपनाता है। अगली जो शैली है वह है सत्तावादी, जिसे हम अथॉरिटेरियन स्टाइल कहते हैं। इसमें अधिनायक के रूप में सत्ता या शक्ति का कभी उपयोग न करना तथा लोकतंत्रात्मक पद्धति को लागू करना शामिल है। इसमें यह उम्मीद की जाती है कि सत्तावादी जो है, जो अध्यापक जो है वह
डिक्टेटर के रूप में कार्य ना करे। तात्पर्य यह है कि मैं जो सोचता हूँ, मेरे से मतलब अध्यापक जो सोचता है, वही अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय के संदर्भ में जो भी निर्णय लिए जाएं, वो समस्त अध्यापकों से, विद्यालय के सारे स्टेक होल्डर से, इंक्लूडिंग स्टूडेंट, टीचर्स, कम्युनिटी, गार्जियंस जिसे हम अभिभावक कहते हैं, इन सब के फीडबैक के आधार पे, इन सब का जो मत है उसके आधार पर निर्णय लेना विद्यालय के लिए सर्वोत्तम होता है। इसलिए हम लोग सत्तावादी स्टाइल को डिस्करेज करते हैं और इसके लिए हम लोग डेमोक्रेटिक स्टाइल की वकालत करते हैं कि अध्यापक को एक डेमोक्रेटिक सोच वाला व्यक्ति होना चाहिए। इन सब बातों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है आपकी स्वायत्तता। आपकी स्वायत्तता से तात्पर्य है शिक्षक की स्वायत्तता। टीचर्स जो ऑटोनॉमी है वो इंटैक्ट रखी जानी चाहिए और हम बातचीत करेंगे कि टीचर्स ऑटोनॉमी है क्या। एक एक बिंदु लेकर इस मुद्दे पर हम ठीक तरीके से चर्चा करके इसका विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि टीचर्स ऑटोनॉमी की आवश्यकता क्यों है। यह स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच समझौता है। ऑटोनॉमी का मतलब आपको बिल्कुल स्वच्छंदता नहीं है, आपको फ्रीडम दी गई है और आप अध्यापक हैं, इसलिए उस फ्रीडम और कंट्रोल के बीच आपको एडजस्टमेंट करना है। ऐसी स्थिति में कई बार आपको स्वतंत्रता का भ्रम हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। यह आपको अपनी कक्षा तक सीमित रख कर के कक्षा कक्ष परिस्थितियों में ही आपकी ऑटोनॉमी की बात करता है। इसका तात्पर्य यह है कि कक्षा कक्ष परिस्थितियों में आप किस तरीके से अध्यापन करें, कौन सा अध्यापन स्टाइल आपके विद्यार्थी के लिए बेहतर है, यह निर्धारित करना एक टीचर की ऑटोनॉमी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विषय वस्तु को पढ़ाते वक्त अध्यापक यह समझता है कि इस विषय वस्तु को डिस्कवरी लर्निंग के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, इस विषय वस्तु को पार्टिसिपेटरी टीचिंग के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, तो यह टीचर का अपना निर्णय है कि वो किस तरीके से उसको बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। हाँ, एक काम जरूर किया जाना चाहिए कि टीचिंग स्टाइल ऑप्ट करते वक्त एक अध्यापक जो है अपने विद्यार्थियों से भी बातचीत कर सकता है, उनसे भी सलाह ले सकता है कि किस तरीके से पढ़ाई लिखाई किया जाए। कुल मिलाजुलाकर यह उन मामलों को सीमित करता है जिनको कि शिक्षक प्रभावित कर सकता है। अब अगली बात जो हम करेंगे वह है द्वंद का प्रबंधन। यह टीचर्स के पर्सपेक्टिव में कैसे द्वंद का प्रबंधन किया जाए इसकी बातचीत करता है। हम यह देखते हैं कि एक शिक्षक को प्रबंधक के रूप में न केवल साथ कार्य कर रहे शिक्षकों की कार्यक्षमताओं बल्कि उनकी आवश्यकताओं व संतुष्टि का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः एक प्रबंधक के रूप में वह जो कार्य कर सकता है उसका एनलिस्टमेंट करेंगे हम और एक एक करके देखेंगे कि कैसे इसकी आवश्यकता है। तो पहली जो बात है वह है कार्यों का जिम्मेदारी एवं योग्यता के आधार पर बंटवारा करना। कार्यों की जिम्मेदारी और योग्यता के आधार पर हमें उसको ठीक तरीके से बांटना चाहिए। इसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि जितना भी टाइम फ्रेम हमें मिला हुआ है, जितना भी समय मिला हुआ है, उसमें हम उसका ठीक तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है वह एक बेहद आवश्यक चीज़ है। अगली जो चीज़ है वह है विवादित विषयों के प्रति दृढ़ता के साथ निर्णय पर पहुंचना। कई बार क्या होता है, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में या विद्यालयी परिस्थितियों में कई निर्णय बड़े विवादित हो सकते हैं। ऐसे विवादित विषयों के प्रति दृढ़ता के साथ एक अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्णय पर पहुंचे और वह यह निर्धारित करे कि कौन सी चीज़ें ठीक हैं और उन विवादित विषयों का किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। अगली जो बात है वह है कार्य एवं जवाबदेही के प्रति टाल मटोल से बचना। एक शिक्षक जो है वह टाल मटोल की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, उसके अंदर यह भाव होना चाहिए कि वह किस तरीके से कार्यों के प्रति जवाबदेह हो
और कार्यों का निपटारा जो है, कार्यों का समाधान जो है वो बेहतर तरीके से वो करे, यह भी एक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। आगे जो हम बातचीत करेंगे वो इसी के संदर्भ में है कि कैसे उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित किया जाए। जो भी विद्यालय में उपलब्ध संसाधन हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसा है, और उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए एक अध्यापक को भरपूर ऊर्जा के साथ, बिल्कुल उत्साह के साथ टीचिंग को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को झोंकना चाहिए। और लेकिन इसमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समझाकर और अपने आप को समझौते के सिद्धांत को भी अपनाना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर तरीके से विद्यालय को संचालित किया जा सके। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह है सत्ता या शक्ति का उचित समय पर और अति आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग करना। अध्यापक को यह बात समझनी चाहिए, या स्कूल के प्रबंधक को जो अध्यापक होता है उसको यह बात समझनी चाहिए कि यदि उसके पास सत्ता और शक्ति है तो यह है उसके उचित इस्तेमाल के लिए, और यदि बहुत आवश्यकता पड़ती है तभी जाकर कोई अनुशासनात्मक कदम उठाना चाहिए। पहली बार तो किसी भी समस्या को बातचीत के सिद्धांत से, आमने सामने बैठकर उस पर विमर्श करने के सिद्धांत से सुलझाने का और हल करने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापक का एक गुण और जो होना चाहिए वह यह है कि अध्यापक को कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहिए। अध्यापक जो क्लासरूम में कह रहा है, शिक्षक जो क्लासरूम में कह रहा है, वही उसके करनी में भी होता है होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाले सिद्धांत का अनुपालना ना करे, दूसरे को केवल उपदेश दे और अपने अंदर तमाम बुराइयां भरी हों ऐसा ना करे। जो उपदेश वह दे रहा है, जो बात वो कह रहा है, वह खुद के जीवन में भी अपनाना चाहिए उसको। यदि कोई अध्यापक किसी स्कूल को मैनेज कर रहा है, कक्षा कक्ष को मैनेज कर रहा है, तो उसे यह बात ध्यान देनी चाहिए कि उसे कक्षा कक्ष परिस्थितियों में समानता का व्यवहार करे, वह समान रूप से सारे विद्यार्थियों को देखे, समान रूप से उनके साथ ट्रीटमेंट करे, उनके साथ बातचीत करे, उनसे प्रश्न पूछे। ऐसा नहीं कि कक्षा कक्ष परिस्थिति में अच्छे विद्यार्थियों से तो आप लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन कमज़ोर विद्यार्थी जो हैं वह कक्षा कक्ष में पीछे ही छूट जा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगली बात जो है वह द्वंद्व का प्रबंधन है। वह विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में, बालकों के परिप्रेक्ष्य में एक अध्यापक जो है द्वंद्व का प्रबंधन कैसे करे, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक अध्यापक जो है एक शिक्षक को प्रबंधक के रूप में साथ कार्य कर रहे शिक्षकों के अतिरिक्त बालकों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता, कक्षाओं की व्यवस्था, नियमित कालांश, जरूरी पोषण आदि को ध्यान में रखना पड़ता है। अतः द्वंद्व की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अतः एक प्रबंधक के रूप में अध्यापक की यह जवाबदेही है, अध्यापक की यह जिम्मेदारी है कि बालकों को नियमित अध्ययन संबंधित व्यवस्थाओं की पूर्ति का ध्यान रखे। जो भी विद्यार्थी को लाइब्रेरी में पुस्तकों इत्यादि की ज़रूरत है उसकी ठीक तरीके से व्यवस्था करे। जो भी अलग स्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी है, पेन की व्यवस्था करनी है, टीचिंग लर्निंग संसाधनों की व्यवस्था करनी है, उसको ठीक तरीके से लागू किया जाए। बालकों को इस हेतु भी प्रेरित किया जाए कि वह कक्षाओं के पलायन को रोके। अतः कक्षाओं के पलायन को रोकने के लिए बच्चे कक्षा में अटेंड करें अपनी कालांशों को, इस हेतु भी अध्यापक को प्रेरित करना चाहिए। इस हेतु बच्चों के समक्ष अपनी एक ऐसी छवि का निर्माण करना चाहिए कि बच्चा स्वयं आपकी तरह बनना चाहे। एक आदर्श छवि प्रस्तुत करने का प्रयत्न एक अध्यापक को करना चाहिए। कक्षा में अध्यापन हेतु स्वयं के लिए भी कालांश निर्धारित करना
एवं नियमित अध्यापन करना चाहिए। यदि आप प्रधान अध्यापक हैं तो आपको कालांश निर्धारित करने के साथ साथ नियमित अध्यापन कार्य पे बल देना चाहिए। गंभीर एवं विवादित विषयों को सुलझाने के लिए दृढ़ता के साथ किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना चाहिए। बालकों के अध्ययन और खेलने के समय का उचित प्रबंधन करना चाहिए। कई बार अध्यापक जो है पढ़ाई पर इतना जोर दे देते हैं कि बच्चों को खेलने का समय नहीं मिल पाता, तो यह जिम्मेदारी है कि बालकों के अध्ययन और खेलने का उचित प्रबंधन किया जाए। कार्य एवं जवाबदेही के प्रति टाल मटोल की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और एक अध्यापक का के पास शिक्षा शास्त्र का उचित ज्ञान भी होना चाहिए। अब हम आगे यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि स्कूल में क्रियात्मकता एवं निर्णय निर्माण किस प्रकार की भूमिका अदा करता है। तो हम यह देखते हैं कि स्कूल में प्रबंधक के रूप में एक शिक्षक को क्रियाशील होकर विवेकपूर्ण निर्णय निर्माण करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके लिए वह जो बातें अपना सकता है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली बात जो है वह है एक सार गर्भित एवं तर्कसंगत प्रक्रिया अपनाना। दूसरी बात जो है वह भागीदारी सुनिश्चित करना। तीसरी बात जो है समझौता। चौथी व्यावहारिक बातचीत और पांचवा आवश्यकता पड़ने पर पेशेवर अर्थात प्रोफेशनल के रूप में कार्य करना। दमन, घुड़की, धमकी आधार का कम से कम प्रयोग करना। दबाव या अंडरहैंड डीलिंग को डिस्करेज करना। सत्ता और शक्ति जो भी अध्यापक को मिली हुई है उसका उचित प्रयोग करना। अध्यापक के अंदर यह भी गुण होना चाहिए कि वह निर्देशन और परामर्श का ठीक उपयोग करने के साथ साथ सामुदायिक सहायता भी प्रदान करे। आगे हम देखेंगे कि एक प्रबंधक के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है जब वह प्राचार्य या प्रधानाध्यापक के रूप में है। तो सबसे पहली भूमिका उसकी होनी चाहिए नियोजन करना, अर्थात प्रवेश प्रक्रिया, कालांश, प्रतिदिन की गतिविधियाँ, कार्यों को करने की प्राथमिकता आदि का ठीक तरीके से नियोजन करना। दूसरा, व्यवस्था करना, विद्यालय में शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री आदि की व्यवस्था करना। तीसरा, निर्देशन और चौथा, नियंत्रण। निर्देशन से तात्पर्य है साथ ही शिक्षकों एवं स्कूल के बालकों को लगातार कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करना और उसके लिए निर्देशित करना। नियंत्रण से तात्पर्य है विद्यालय विरोधी गतिविधि को कंट्रोल करना, उसको डिस्करेज करना। जब शिक्षक एक प्राचार्य के रूप में होता है तो उसका दायित्व होता है कि वह निर्देशों का प्रबंधक बने, वह समझौता कराने वाला प्रतिनिधि, दबाव नियंत्रक, संक्रियाओं का प्रबंधक, मनोबल बढ़ाने वाला, संसाधन उपलब्ध कराने वाला और शैक्षणिक माहौल बनाने वाला हो। शिक्षक का दायित्व जो है वह एक प्रभावी मध्यस्थक का भी होता है, वह एक मीडिएटर भी होता है। इसके लिए उसके अंदर जो गुण होते हैं वह हम चर्चा करेंगे। जो गुण होने चाहिए उसके अंदर वह यह होना चाहिए कि वह समस्त प्रबंधकीय शैलियों का उसे यथोचित उपयोग करने आना चाहिए। सभी सहयोगी शिक्षकों की समस्याओं को समझना एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला वह होना चाहिए। सहयोगियों में समन्वय बनाए रखना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना, जैसे सहयोगियों को नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसे बेहतर होना चाहिए टीम बनाने में भी, और टीम बनाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वह है जानकारी साझा करने की इच्छा, अनुभव एवं विशेषज्ञता, सुव्यवस्थित भेंट वार्ताएं जिसे हम मीटिंग्स कहते हैं, उत्तरदायित्वों को साझा करना, नियमित सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, स्व अस्तित्व के लिए प्रयासरत रहना एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति बनाए रखना। ये सारे गुण जो हैं एक अध्यापक के अंदर निश्चित रूप से होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं इस वार्ता में हमें जो बात समझ में आई कि एक अध्यापक को एक बेहतर टीम बनाने वाला होने के साथ साथ द्वंद्वों का प्रबंधन करने वाला, अपनी ऑटोनॉमी को समझने वाला और उसके प्रति जवाबदेह होने वाला और डिफरेंट जो मैनेजेरियल स्किल्स हैं उसमें निष्णात होना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि एक प्रबंधक के रूप में शिक्षक के लिए कौन कौन से सिद्धांत उपयोगी हैं, शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता क्या है और शैक्षिक प्रबंधन है क्या। इस प्रकार से इस वार्ता में हमने यह बात समझी
कि एक अध्यापक को एक बेहतर प्रबंधक भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगली कक्षा में हम लोग एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।